मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी आस्था के नाम पर, धैर्य के भाव में कुछ लोग ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो समाज के ताने बाने को बिखेर देती है। देश शांति, एकता और सद्भावना से चलता है। जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर देश का कभी भला नहीं कर सकता है। ये तो गांधी की भूमि है, बुद्ध की भूमि है। सबको साथ लेकर के चलना, ये इस देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। हमें इसको सफलता से आगे बढ़ाना है और इसलिए आस्था के नाम पर हिंसा को बल नहीं दिया जा सकता है। अस्पताल में कोई पेशेंट के साथ कुछ हो जाए, अस्पताल जला दिया जाए, अकस्मात हो जाए, गाड़ियां जला दिया जाए, आंदोलन करे, सरकारी संपत्ति को जला दिया जाए, आजाद हिंदुस्तान के लिए ये किसका है? हम 125 करोड़ देशवासियों की संपत्ति है। ये सांस्कृतिक विरासत किसी है? ये हम 125 करोड़ देशवासियों की सांस्कृतिक विरासत है। ये आस्था किसकी है? हम 125 करोड़ देशवासियों की आस्था है। और इसलिए आस्था के नाम पर हिंसा का रास्ता इस देश में कभी भी चल नहीं सकता, यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, उस समय भारत छोड़ो का नारा था, आज नारा है भारत जोड़ो। व्यक्ति व्यक्ति को हमने साथ लेना है, जन जन को साथ लेना है, समाज के हर तबके को साथ लेना है और उसी को लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है।